पता है आपकी जिंदगी में सबसे खूबसूरत और सुकून वाला लम्हा कौन सा होता है? वो लम्हा जब आप सजदा करते हैं, और सजदा वो लम्हा है जब खुदा और बंदे के दरमियान कोई तीसरा नहीं होता, खामोश गुफ्तगु होती है, कोई पर्दा नहीं होता, बयान हर बात होती है, छुपा कोई राज नहीं होता। वो समझ लेता है बिन कहे हर बात, उसकी तरफ से वजाहतों का सवाल नहीं होता। वो दिल ऐसे जोड़ देता है कि फिर जिंदगी में कोई मलाल नहीं होता। उसकी मोहब्बत ऐसा सुकून देती है कि फिर दिल कभी बेकरार नहीं होता। मैंने सबको आजमाया है, उससे बेहतर कोई यार नहीं होता। वक्त ने सिखाया है, इससे ज्यादा कोई वफादार नहीं होता। ये ऐसा ताल्लुक है जिसमें कोई लम्हा दुश्वार नहीं होता, इसीलिए खुदा और बंदे की मोहब्बत को कभी जवाल नहीं होता। और आपको अंदाजा नहीं है कि ये जो सजदा होता है ना, कितनी मुशक्कतें, कितनी थकावटों को समेट कर ये एक सजदा बनता है, और ये हर हाल में किया जाता है। मोहब्बत हो जाए अगर तो यकीन का सजदा, दिल अगर गम में है तो गम का सजदा, सदियों पुराना कोई साथी मिल गया है तो शुक्र का सजदा, कोई हाथ थाम कर आंख से ओझल हो गया है तो बेबसी का सजदा, कभी अपनी गर्ज का तो कभी हर गर्ज के मिट जाने का सजदा, कभी नदामतों का तो कभी माफी की तलब का शर्मसार सजदा, कभी खुद को खो देने का तो कभी खुदा को पा लेने का सजदा। इसकी अहमियत उनसे पूछें जिन्हें ये आखिरी सांस तक नसीब नहीं होता। आप खुशकिस्मत हैं कि आपको मिला है, और ये सजदा ही तो है जो हमें जिंदा रखे हुए है, वरना कब का रुक गया होता ये सांस का सिलसिला। और किसको सुनाते फिर अपना हाले दिल, किसकी आगोश में तड़प कर छुपते हैं हम। और इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, आप सजदा करना कभी मत भूलिएगा।